मैसेज है वो हम देना चाह रहे हैं। देखिए हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमारा जो पर्सपेक्टिव है या एटीट्यूड है या एक सफल व्यक्ति का, आपको अपनी जिंदगी में एज ए स्टूडेंट या कहीं पे भी हैं, एक विद्यार्थी होने के नाते आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। आप जो भी काम कर रहे हैं ना उसमें प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। आप सपोज के आप खेल के मैदान में हैं या आप कहीं पे, आप घर में हैं तो आप साफ सफाई कर रहे हैं तो एक काम कर रहे हैं, मतलब तो खाली बैठ करके टाइम पास नहीं कर रहे कि गाना सुन रहे हैं कुछ कर रहे हैं। आप रोटी बना रहे हैं, आप सब्जी बना रहे हैं, ये प्रोडक्टिव वर्क है, कुछ तो कर रहे हैं। ऐसा कभी मत करना कि वक्त बर्बाद करना। अगर ये चीज तुम्हारे दिमाग में आ गया ना, हम मतलब आमतौर पे जो भी सफल लोग हैं वो खामोश बैठते नहीं हैं, एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं, अब ये होगा पैसा आएगा तो दुकान खोलूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको वर्क करते रहना है। अब एक चीज और है, अपने प्रोडक्टिव वर्क को और स्ट्रांग कैसे कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपको रोटी बनाना है या सब्जी बनाना है, आपको घर का भी काम करना है, तो कैसे करना है, साथ साथ में आप वीडियो सुनिए जीके की, क्वेश्चन सुनते रहिए, ठीक है। आपका मतलब आपको ये सोचना है आज से कि मुझे एक मिनट बर्बाद नहीं करना है। आपने जो सब्जी बनाया है उस समय भी आपको 5 GK का क्वेश्चन आ गया, और सब्जी बनाना भी तो प्रोडक्टिव वर्क है। लेकिन एक विद्यार्थी है जो बिस्तर पे पड़ा हुआ है और सोच रहा है कैसे IAS करूंगा, कैसे करूंगा, अरे कैसे करेंगे, उठते हैं उठते हैं उठते हैं, ऐसे में उसका टाइम पूरी जिंदगी गुजर जाती है। जो भी विद्यार्थी चाहे 18 साल का है या 20 साल का है, 25 होने में टाइम नहीं लगता है और वहीं के वहीं रहेंगे। तो इसलिए एक एक मिनट जो आपका गुजर रहा है ना बहुत कीमती है। हर एक मिनट में समझो कि एक चीज प्राप्त करना है, कुछ ना कुछ, मतलब वक्त को जाया नहीं करना कि नहीं है कोई क्लासरूम में तो पढ़ रहे हैं, बाहर में एक घंटा बर्बाद कर। अगर तुम फील्ड में हो तो जंपिंग करो, अगर तुम फील्ड में हो तो दौड़ो, अगर तुम फील्ड में हो तो खेलो खेलो, वो भी तुम्हारे शरीर को फायदा देगा। खामोश नहीं रहना है, तुम शांति में टाइम को बर्बाद कर रहे, सोचो बिल्कुल मत। जब तुम्हारा ये एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा ना, तुम चाहे सब्जी बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, कहीं पे भी बैठे हुए हो, नहीं पढ़ने का मन है, वीडियो सुनो, आज के जमाने में हर चीज अवेलेबल है। आप GK सुनो, हिस्ट्री सुनो, पॉलिटी सुनो, ये मतलब सुनते रहो। अगर तुमने 20 क्वेश्चन सुना है और तुम मान लो कि घर का काम कर रहे हो कुछ भी, तो 2 क्वेश्चन तो आएगा, 2 क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा। तो आज का टास्क क्या है कि आपको एक मिनट भी अपनी लाइफ में बर्बाद नहीं करना, एक मिनट भी बिना काम का। हाँ आप चिट चैट करो, बातचीत करो, आपको 15-20 मिनट जो है ना दिन भर में खूब बात भी करना चाहिए पढ़ाई को छोड़ करके, लेकिन आपका जो अंदाज होना चाहिए, सोचने का जो तरीका होना चाहिए, वो पर्सपेक्टिव होना चाहिए प्रोडक्टिव। क्या ऐसा काम करो जिसको तुम ये देखो कि ये तुम्हारी लाइफ में कुछ फायदा देने वाला है कि नहीं। अब बिना काम का बकवासबाजी कर रहे हैं, बिना काम का हमेशा, बिना काम का बैठे हुए सोच रहे हैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊं कोचिंग, कैसे करूं, ये सब मत सोचो। जो सामने है उसको करो, बस डू एंड डाई, वो जो थ्योरी है ना। और मैं ये कह रहा हूं कि सब चीज अवेलेबल है मार्केट में विदाउट एनी फी, हर चीज अवेलेबल है, अगर तुम चाहते हो तो तुम करो। तो ये बहुत कीमती चीज है कि आपको वक्त नहीं बर्बाद करना है, एक मिनट बर्बाद नहीं करना है। और आपको मतलब मल्टी डायमेंशनल होना है, कई बार आपको दो दो काम एक साथ करना है, जैसे मान लीजिए घर का भी काम कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो पढ़ाई कैसे, सुन रहे हैं, क्योंकि पहले ये सुविधा नहीं थी, लेकिन आज ये सुविधा अवेलेबल है। आज कोई भी विद्यार्थी अगर वो चाहता है कि उसको पढ़ने का मन नहीं है, सोता हुआ GK सुन सकता है, हिस्ट्री सुन सकता है, हड़प्पा सभ्यता सुन सकता है, कोई भी अगर बॉटनी का विद्यार्थी है बॉटनी सुन सकता है, जूलॉजी सुन सकता है, फिजिक्स सुन सकता है, केमिस्ट्री सुन सकता है। तो कहने का मतलब कि आपको समय को एकदम बर्बाद नहीं करना है, और आपको यह सोचना है कि हमारा वक्त एकदम प्रोडक्टिव हो, ठीक है, ये करना है आज से।